हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रेमेडी लेके आई हूँ, कैसे अपने सफ़ेद हुए बालों को जड़ से काला बना सकते हैं, वो भी बिना मेहंदी, बिना डाई लगाए, बिना केमिकल वाली डाई लगाए, बिना मेहंदी इस्तेमाल किए आप अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सारा कुछ आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। लाइव करके मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं वॉश करके भी दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो पे अंत तक। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मैं कैसे कैसे अप्लाई की हूँ सारा कुछ बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। तो दोस्तों, इस रेमेडी को हमें बना के रेडी करना है लोहे के बर्तन में। जी हाँ दोस्तों, आयरन वेसल में, यानी कि लोहे का जो बर्तन होता है ना, इस तरह का, ये जो आयरन का जो तत्व होता है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे बालों के ऊपर। बालों को जड़ से काला बनाता है, मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। मैं नेस्कैफे का ले रही हूँ, एक सैसे ले रही हूँ। आप एक चम्मच किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कॉफ़ी में होता है कैफेटीन, जो कि हमारे मेलेनिन को करता है बूस्ट। तो यहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिएगा कॉफ़ी पाउडर। अब ये खास चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये है कैम्फर, यानी कि कपूर, जो कि हमारे बालों पर एक डार्कर कलर बरकरार रखता है काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस चुटकी भर ले लेना है। यहाँ पे कपूर हर घर में पूजा पे अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है पानी। जी हाँ दोस्तों, एक गिलास इतना पानी हमें यहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद हमें कुछ पाउडर्स और ऐड करना है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे आपको पानी ऐड करना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पाउडर्स ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे हर्ब टोनिक का आंवला पाउडर, यानी कि इंडियन गूसबेरी पाउडर ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों, हर्ब टोनिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे रिज़ल्ट इसके बेहतरीन लगते हैं। तो आपको भी अगर हर्ब टोनिक के प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे एक चम्मच इतना ले लेना है आपको आंवला पाउडर। नेक्स्ट जो पाउडर मैं ऐड करने वाली हूँ, ये है इंडिगो पाउडर, इंडिगो लीफ पाउडर। ये भी मैं हर्ब टोनिक का यूज़ कर रही हूँ, इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और हर्ब टोनिक के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर एक से डेढ़ चम्मच इतना ले लूँगी इंडिगो पाउडर। दोस्तों, इंडिगो जो है ना, बिल्कुल आपके मेहंदी हीना की तरह होता है। इंडिगो लीफ को ग्राइंड करके इसके पाउडर बनाया जाता है। इन सबको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे मिक्स करने में, बट आपको बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे रात भर आपको नहीं रखना है, इंस्टेंट बनाना है और थोड़े टाइम के बाद आपको अप्लाई कर लेना है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में इसे मैं रख दी हूँ गैस पे और धीरे धीरे इसे हमें पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। एक से डेढ़ मिनट के अंदर आप देखेंगे कि ये थिक हो जाएगा और डार्क कलर आ जाएगा इसमें। दैट मीन्स कि सबकी गुडनेस इसमें उतर के आ जाएगी, लोहे का तत्व भी आ जाएगा। तो बस हमें ये मैजिकल पैक अपने बालों के ऊपर लगा लेना है। तो पहले तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है आपको, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और थोड़ी ही देर में, ये एक से डेढ़ मिनट हार्डली लगता है, उसके बाद आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाए। आपको फ़ैन के नीचे इसे नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल, ये नेचुरल तरीके से इसे कूल डाउन होने दें। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से डाई ब्रश जो आती है ना, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे टूथ ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पहले तो आपको अच्छी तरह से अपने बालों को सुलझा लेना है कोम से, उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई आपको हेयर रूट से करना है क्योंकि ज़्यादातर रूट्स पे ही सफ़ेद बाल आते हैं, और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में आप वहाँ लगाइएगा जहाँ ज़्यादा सफ़ेद बाल है। अच्छी तरह से पूरे हेयर्स पे इसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको आधा घंटे से 45 मिनट के लिए अपने बालों पे रहने देना है, और उसके बाद केवल और केवल नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है। दोस्तों, अगर आपके बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग में आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके बाल बिल्कुल ब्लैक होने लगे हैं, तो आप फिर 15 डेज पे इसे इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आपके हेयर्स में वॉल्यूम भी आएगा, साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, मैं हेयर रूट्स पे लगा रही हूँ, और उसके बाद अच्छी तरह से कोम कर करके ताकि बाल कम से कम उलझे। दोस्तों, आप ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और अपना जो फीडबैक है ना, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि जब मैं इसे वॉश की तो बालों में बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग तो आया ही आया, साथ ही साथ बालों पे डार्कर कलर भी आ गया। दैट मीन्स कि जो सफ़ेद बाल थे ना, वो बिल्कुल ब्लैक में चेंज हो गए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा ये वर्क करता है दोस्तों, तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो होप आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।